मैसूर सिल्क के बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा, राइट फ्रॉम द्रौपदी मुर्मू जी टू हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन सब ने पहना है। सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, इसकी लुंगी बन सकती है, टाई बन सकती है, बहुत लोग गिफ्ट करते हैं शादी के अवसरों पर, आपने देखा होगा। पर इसकी शुरुआत जो हुई थी 1912 में हुई थी, कृष्णराज वोडेयार, उस वक्त के मैसूर के जो राजा थे, उन्होंने ये फैक्ट्री सेटअप की थी। उससे भी पहले टीपू सुल्तान ने पहले स्टार्ट किया था, पर फिर डिप्रेशन का वक्त था और फिर 1912 में ये फैक्ट्री सेटअप हुई। तब सिर्फ 10 लूम्स से शुरुआत हुई थी, लूम जिस पर वीव किया जाता है धागे से साड़ी बनने का जो प्रोसेस है। और आज यहाँ पे आप देखो फैक्ट्री कितनी फुल फ्लेज्ड है, क्योंकि उस वक्त जब 10 लूम्स थे वो सिर्फ रॉयल घराने के लिए थे, सिर्फ राजा के परिवार के लिए थे। बट आज सब खरीद सकते सिवाय हमारे, बहुत ही ज़्यादा महंगा था, स्टार्टिंग प्राइस थी 11,000 एक साड़ी की, और ऊपर जाते जाते तो 70,000 की भी मिल सकती है, क्योंकि उसमें जो धागा होता है गोल्ड का, वो असली गोल्ड होता है। खैर, प्राइस की ना बात करते हुए कल्चर की बात करते हुए आपको दिखाते कि ये बनता कैसे है। मैसूर सिल्क को मलबरी सिल्क भी बोला जाता है, शतूत के पत्ते, और इसका क्या लेना देना, क्योंकि जो सिल्क वर्म होता है, जो लार्वा होता है, वो शतूत के पत्तों को खाकर ही बड़ा होता है, और फिर वहाँ से कुकून बनता है, वहाँ से धागा निकलता है, धागे से सारी बनती है। तो चलिए फैक्ट्री विजिट करते हैं, बहुत ही रोमांचक है दिखाना आपको कि सब कुछ कैसे इतनी प्यारी तरह से, इतनी खूबसूरती से, ऐसे इतने रंग बिरंगे कलर्स में सामने आता है। तो चलिए, लार्वे के 5 स्टेजेस होते हैं, ओके, जो जब ये अंडे से निकलते हैं बहुत बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे जितने काली चींटी होती है उतने छोटे। तब से उनको शहतूत के पत्ते ऐसे खिलाए जाते हैं, तब जब उतने छोटे होते हैं तो काट कर उनको दिया जाता है शहतूत के पत्ते। यहाँ पर आपको पूरा पत्ता दिखेगा, ये स्टेज 3 है। तीसरी स्टेज पर इनका साइज़ इतना बड़ा हो जाता है और ये पूरे वक्त ऐसे फीड करते रहते हैं। आप देखोगे यहाँ पे जैसे होल्स हो चुके हैं, ये फीड ही कर रहे हैं, ये सारे इतने सारे सिल्क वर्म्स, ये थर्ड स्टेज में है अभी। और यहाँ से हम आपको 5th स्टेज जो होता है वो भी दिखाएंगे, और आप देख सकोगे कि ये साइज़ में कितने बड़े हो जाते हैं। एक और ज़रूरी बात ये है कि यहाँ पर इस एनवायरनमेंट में, इस रूम के अंदर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर ये खाना बंद कर देंगे और इनका साइज़ छोटा रह जाएगा। तो इन सब चीज़ों को फार्मर्स को बहुत ध्यान रखना है इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये स्टेज 3 है, ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते स्टेज 4 है और फिर स्टेज 5 है, और वहाँ तक आते आते वो कितने बड़े बन जाते हैं, और उसके बाद कुकून स्पिनिंग होता है, तो हम आपको वहाँ भी ले चलेंगे, वो भी दिखाएंगे। अब आपने देखा कि अंडे के बाद जब वो थोड़ा सा ग्रो होने लगते हैं, जो वर्म होता है, ओके, अभी बहुत छोटी स्टेज में, और फिर वो फार्मर्स को हैंड ओवर होता है, तो अभी हमने वो देखा। और फिर फार्मर्स इनका ध्यान रखते हैं, इनको खिलाते हैं और उनका साइज़ बढ़ जाता है। देखिए कैसे होता है, यहाँ पर हम आपको फैसिलिटी में लेकर जा रहे हैं, यहाँ पे सारे वर्म्स जो है यहाँ पे मलबरी लीव्स के साथ है, ये लास्ट स्टेज पर है, इसके बाद कुकून बन जाता है, और ये शहतूत के पत्ते हैं जिस पर ये फीड कर रहे हैं सारे सिल्क वर्म्स। मैं आपको दिखाऊँ एक, आइए, ये पूरा वक्त खाते ही रहते हैं, मतलब कितने भुक्कड़ हैं आप समझ सकते हो, देखो पूरा वक्त, देखो ये शहतूत के पत्ते पर ऐसे है, ये खा रहे, ये ऐसे खाते रहेंगे और फिर इनका कुकून बनेगा, कुकून से फिर सिल्क कैसे बनता है हम आपको सब कुछ दिखाएंगे यहाँ पर। तो चलिए आगे के स्टेजेस देखते हैं जब ये कुकून बनता है, और फिर वहाँ से हम आपको ये भी दिखाएंगे कि सिल्क फाइनली कैसे बनता है। मैं आपको एक जगह दिखाती हूँ जहाँ ये 3 दिन के अंदर अंदर कुकून बन जाते हैं। आप ये देखिए, ये वाला देखिए, आपको दिख रहा है कि वो सिल्क वर्म जो लार्वा है वो कुकून के अंदर कैसे अपना कुकून बना रहा है। और ये एक सिंगल कुकून से आप सोचते होंगे कि कितना निकलेगा रेशम का धागा, मैं आपको बता सकती हूँ, उन्होंने मुझे बताया 800 मीटर से ज़्यादा, अगर एक गुड क्वालिटी अच्छा कुकून हो तो एक ऐसे सिंगल कुकून से 800 to 1000 meters निकल सकता है। और ये अभी भी थोड़े सॉफ्ट है, तो 7 दिनों तक इनको यही रखेंगे। वो कुकून से जो धागा निकलता है वो सिल्क में फिर कैसे तब्दील होता है ये देखिए आप, ये आपको लगेगा कि ये तो कैसा रंग है, बालों के जैसा दिख रहा होगा, थोड़ा सा टच और फील करने में थोड़ा रफ भी है, बट इसे इसकी और प्रोसेसिंग होगी आगे, तो वहाँ जाके फिर ये सॉफ्ट हो जाएगा। चलिए आगे और स्टेप्स है इस प्रोसेस में आपको लेकर चलते हैं। हमने आपको सिल्क थ्रेड दिखाया था, उसको यहाँ पर लाकर प्रोसेस किया जाता है, तो उसको पानी में सोक किया जाता है, 1 घंटे के लिए पानी में छोड़ा जाता है, बट वो सिर्फ पानी नहीं होता, उसमें ये साबुन होता है, 3% साबुन होता है,
ये जो हम साबुन यूज़ करते वैसे नहीं है, उससे थोड़ा अलग है। तो पानी में साबुन और नारियल का तेल, तो 20 किलो अगर सिल्क थ्रेड है उसमें 10% नारियल का तेल और 3% ये साबुन सारा मिलाकर यहाँ पर एक घंटे के लिए सोक करके रखा जाता है। और फिर उसके बाद बेसिक सी उसकी डाइंग होती है। चलिए आगे चलते हैं, कितने सारे स्टेप्स है वो भी देखते हैं। एक तरीके से जैसे हम अपने बालों को कंडीशन करते हैं ना, इनका भी वही किया गया है इनके साथ, इस सिल्क थ्रेड के साथ। और इसको डायरेक्टली सनलाइट में नहीं सुखाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्श होता है, तो बाहर धूप में नहीं सुखाया जाता, ऐसे अंदर प्रोटेक्टेड एरिया में, थोड़ा कवर्ड एरिया, छांव में इसे अब नेचुरली ड्राई होने के लिए रखा गया है। कोई फ़ैन या कोई हेयर ड्रायर ऐसा नहीं इस्तेमाल किया गया, बस ऐसे ही सुखाने के लिए रख दिया गया। यहाँ पर धागे का काम हो रहा है। आप इतने सारे धागे जो देख रहे हो, आप सोच रहे होंगे कि इनके रंग अलग क्यों है, क्योंकि ये प्रोसेस है वार्प और वेफ्ट। वार्प वो धागा है जो लंबाई में लगता है, साड़ी की लंबाई में, और चौड़ाई में जो नीला और ऑरेंज कलर का, आपको लाइट ऑरेंज कलर का धागा दिख रहा है, वो चौड़ाई में लगता है, उसे वेफ्ट कहते हैं। धागा अपने आप में बहुत नाजुक होता है, इसीलिए जो अगला प्रोसेस होता है वहाँ पे उसको डबल किया जाता है ताकि फिर वो धागा और स्ट्रॉन्ग हो। तो वो 2-3 अलग धागों को साथ में ट्विस्ट करके वो डबलिंग का मैकेनिज्म होता है। एक साड़ी के लिए 14,800 सिंगल धागे लगते हैं, तो आप सोचिए ये यहाँ पे 160 साड़ीज का एक साथ बना रहे हैं, 900 मीटर्स के करीब धागा जा रहा है। और ये धागा जिस पे बन रहा है, जो सिलेंडर है उसको तो बॉबिन कहते हैं, आपने सुना होगा पहले, तो उसी पे रोटेट करके वो स्टोर करते हैं। वैसे ये सारे धागे कंबाइन होते हैं, एक साथ आते हैं, सफ़ेद वाले धागे के साथ, गोल्डन धागे के साथ, और जो गोल्डन वाला धागा है उसमें असली सोना है। तो ये सारे कंबाइन होकर वीव होते हैं एक साथ पावर लूम में। अभी भी कहीं जगहों पे हैंडलूम्स होते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि प्रोडक्शन का स्केल इतना ज़्यादा है, इनके पास पावर लूम्स है। इसी फैक्ट्री की जब शुरुआत हुई थी तो 10 लूम से ही हुई थी, पर आज अब ये सारे पावर लूम्स है। ये अगला प्रोसेस जो है, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे डीगमिंग और डाइंग का काम होता है। तो 250 साड़ीज यहाँ पे आकर डीगम होती है। डीगम क्या होता है, इनको एक बड़े से टब में यहाँ पर बॉईल किया जाता है केमिकल्स के साथ, डीगमिंग की जो केमिकल्स होती है, और 27% यहाँ पे लॉस होता है फैब्रिक का, जो कपड़ा होता है उसका 27% यहाँ पे लॉस होता है। पर यहाँ पे बहुत सॉफ्ट हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, क्योंकि वो ब्लीच भी हो जाता है डीगमिंग के दौरान, और फिर उसको भेजा जाता है डाइंग के लिए। ये जो डाइंग मशीन्स है, हर मशीन में 24 साड़ियाँ डाई होती है, इनको लगभग 2 घंटे लगते हैं। जो कपड़ा होता है उसको रोटेट किया जाता है कलर सॉल्यूशन के ऊपर, और ये भी एसिड डाइज है। एसिड मतलब इसमें फॉर्मिक एसिड है जो कि एक ट्रांसफरिंग एजेंट है। तो कलर कपड़े पर कैसे लगता है, वो फॉर्मिक एसिड के थ्रू होता है, और यहाँ पे 2 घंटे लगते हैं। ये प्रोसेस जो आप देख रहे हो इसको सेंटरिंग कहते हैं। तो मशीन से डीगम होकर, डाई होकर, जब कपड़ा यहाँ पर आता है, जब साड़ियाँ यहाँ पर आती है, तो वो गीली होती है, उनको सुखाना होता है, और वो सुखाते समय श्रिंक ना हो, इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे दोनों साइड पर क्लास्प करके रखा है, और नीचे से स्टीम आ रही होती है। इससे वो कंट्रोल करते हैं कि श्रिंकेज ना हो, और साथ साथ जो साड़ी है वो सूख भी जाए। और ये बन के रेडी हो गई है सारी साड़ियाँ। 45% देश का जो सिल्क है वो यहाँ से आता है। तो आप सोचिए कि 20,000 मेट्रिक टन्स प्रोड्यूस होते हैं भारत में, उसमें से 9,000 मेट्रिक टन्स यहाँ से, मैसूर सिल्क से आते हैं। सारा कलर होने के बाद, सूखने के बाद, फिर वो काटते हैं। 5.5 मीटर की एक साड़ी होती है, तो उस मेजरमेंट से फिर वो काटते हैं, स्टैंप लगाते हैं, और एक एक साड़ी नंबर भी होता है। तो अब वो यहाँ पे टैग लगा रहे हैं एक एक साड़ी पर, जिस पे डिज़ाइन नंबर है, कलर नंबर है, बाद में वो सारे नंबर हम इधर
बना सकता है, बाद में हमें सेंडिंग टू द शोरूम शोरूम को भेजते हो। हमने आपको सारा प्रोसेस दिखाया, फाइनली यहाँ पे आकर ख़त्म होता है ये प्रोसेस। यहाँ इंस्पेक्शन होती है और फिर गोडाउन को भेजा जाता है और फिर वहाँ से शोरूम पहुँचता है जहाँ से आप खरीद सकते हैं, आप और मैं दोनों। मेरा तो मन कर रहा है ये सारी ले जाऊँ क्योंकि इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत डिज़ाइंस है। तो आज हमने सीखा देखा कि मैसूर सिल्क साड़ी जो होती है इसको मलबरी सिल्क बोला जाता है क्योंकि जो सिल्क वर्म होता है वो मलबरी खाकर ही कुकून बनता है और फिर यहाँ तक पहुँचता है। तो हमने आपको सारा प्रोसेस दिखाया और कितना फैसिनेटिंग था, एक तो नेचर कुदरत को देखते हुए कि कैसे सब कुछ होता है और फिर यहाँ पे उससे सारा कुछ जो थ्रेड निकाला जाता है वो ये इतनी ब्यूटीफुल साड़ी कैसे बनती है। तो आगे और कर्नाटका की चीज़ें हम आपके लिए लाते रहेंगे, कर्नाटका से क्या खास है क्या स्पेशल है खाने के लिए पहनने के लिए देखने के लिए वो हम आप सब अपडेट करते रहेंगे यहीं पर ललन टॉप पर। शुक्रिया।